नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं साक्षी आपके साथ और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। इंदौर के रिगल तिरहाए पर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने ट्विंकल के माता पिता ने जमकर नारेबाजी की। सुदर्शन गुप्ता का आरोपी बनाने की मांग की, आरोपी को फांसी दो के नारे लगाए। बैतूल के जिला अस्पताल में 24 घंटे में हुई 3 नवजातों की मौत, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, एसडीएम की अध्यक्षता में बना जांच दल। बिलासपुर के 21 थानों में किया गया रक्षा टीमों का गठन, रक्षा टीम ने किया महिला और बालिकाओं को जागरूक। इंदौर में हुए कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डागरे हत्याकांड में अब भी पुलिस ट्विंकल के शव के अवशेष तलाशने में फैक्ट्रियों के पास खुदाई करवा रही है। वहीं ट्विंकल के माता पिता अब भी बेटी के हत्यारों को संरक्षण देने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता को आरोपी बनाए जाने की पुलिस से मांग कर रहे हैं। आज ट्विंकल के परिजनों ने रिगल तिरहाए पर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने जमकर नारेबाजी की। ट्विंकल के माता पिता हाथ में बैनर और तख्ती लेकर आरोपी को फांसी दो के नारे लगाते रहे। इस दौरान उनके हाथ में सुदर्शन गुप्ता का आरोपी बनाने वाली तख्तियां भी थी। माता पिता ने हाथ में तख्तियां लेकर वहीं धरना दिया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। हमारी मांग है सुदर्शन गुप्ता, जिसको हमने पहले से भी चिल्ला रही हूँ मैं काफी टाइम से कि वो हत्यारा है, लेकिन उसको ना गिरफ्तार किया गया ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, तो उसके खिलाफ आज धरना दे रहे हैं और ट्विंकल के हत्यारों को फांसी की मांग कर। कब तक रहेंगे धरने पे? अभी आज शाम तक धरने पे रहेंगे, शाम को 6 बजे कैंडल मोर्चा निकालेंगे। और हमारी शासन से यही मांग है कि भाई सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार करा जाए। बैतूल के जिला अस्पताल में 24 घंटे में 3 नवजातों की मौत की घटना ने स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी लगते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बीते 24 घंटे में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने 2 दौरे जिला अस्पताल में हो चुके हैं। सुबह एसडीएम सीएल चनाप और तहसीलदार वैद्यनाथ वासनिक जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं देर रात करीब 11:30 बजे सीईओ जिला पंचायत क्षितिज सिंगल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने बैतूल हॉस्पिटल की घटना की जांच के लिए एक दल एसडीएम की अध्यक्षता में बनाया। इसमें होशंगाबाद के जॉइंट डायरेक्टर एवं सीएमएचओ भी शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में 24 घंटे में 2 नवजातों की गले में दूध अटकने और 1 नवजात की सांस रुकने से मौत हो गई। बैतूल जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। हाँ, इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि एक एस्पिरेशन हुआ था, सांस की नली में दूध था, वो बच्चा तो वो शोभापुर का था, वो जा चुका था। 2 बच्चों को जो रात का 8 बजे वाला और सुबह 8 बजे वाला के आसपास का था, उसको रोक के रखा गया था और उनका पीएफ कराया गया था। इनमें मुख्य रूप से देखा गया तो सांस लेने में तो खैर दूध नहीं था, उनके नाखून नीले थे। नाखून नीले होने का मतलब होता है कि सांस में कहीं रुकावट है, और ये सबसे बड़ी संभावना है कि जैसे कि बच्चों को लपेट के रखते हैं ठंड से बचने के लिए, लपेटा रखा गया और उनके परिजनों द्वारा उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सिस्टर खुद ही बता रही है कि साहब इनमें हलचल नहीं हो रही, इसको देखें। परिजन द्वारा कतई नहीं बताया गया कि बच्चों को कोई तकलीफ। बिलासपुर जिले में महिलाओं और युवतियों की रक्षा और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देश पर सभी 21 थानों में रक्षा टीमों का गठन किया गया। इसके तहत जिले भर के सभी थानों में रक्षा टीम की पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां दी गई। इनका काम यह है कि अपने अपने थाना क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों में पेट्रोलिंग करें और असामाजिक तत्वों पर नजर रखें। यह गाड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के आवाजाही इलाकों और रास्तों के अलावा स्कूल, कोचिंग और कॉलेजों में निरीक्षण करेंगे, ताकि मनचले युवकों की छींटाकशी पर नकेल लगाई जा सके। वहीं स्कूल कप्तान का उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश में आज भी महिलाएं पुलिस थाने पहुंचकर अपराध दर्ज कराने में परहेज करती है, लिहाजा इस रक्षा टीम के जरिए उनके पुलिस के प्रति भय कम हो सकेगा। यही कारण है कि महिलाओं और छात्राओं का भरोसा रक्षा टीम को मिलने लगा है। रक्षा टीम अपने अपने थाना
क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सहित गांव और मोहल्ले की महिलाओं से हेल्पलाइन नंबर और टीम का नंबर साझा कर रही है। इसमें महिलाएं और छात्राएं अपनी आपबीती टीम के नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज करवा रही है। इस तरह कई शिकायतों का निराकरण रक्षा टीम ने त्वरित किया है और महिलाएं अपनी पीड़ा रक्षा टीम से शेयर कर रही है। वही महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार और अपमानजनक व्यवहार पर पुलिस पर भरोसा जता रही है और पुलिस ने शिकायत व अपराध दर्ज कराने के लिए सामने आने लगी है। गौरतलब है कि बिलासपुर जिले के सभी थानों की रक्षा टीम ने बीते 3 दिनों के भीतर करीब 66 स्कूल, कॉलेज एवं छात्रावास पहुंचकर 11,000 से भी अधिक बालक बालिकाओं को रक्षा टीम की जानकारी दी और रक्षा टीम का हेल्पलाइन नंबर व मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। रक्षा टीम ने पेट्रोलिंग कर 45 मंचले युवकों को पकड़कर थानों में बैठा लिया। वहीं पकड़े गए सभी मंचले युवकों के परिजनों को थाने में बुलाकर समझाई दी गई। इसके बाद टीम ने उन युवकों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बिलासपुर से प्रकाश चिवनानी की रिपोर्ट। राजस्थानी कला संस्कृति में सांचौर की विशेष पहचान बनी हुई है। कला और संस्कृति किसी समाज और स्थान को विशेष महत्व दिलाते हैं। सत्यपुर के ऐतिहासिक के साथ सांचौर को कला में नई पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है सांचौर के ही जिगर स्टूडियो के निदेशक दीपक जिवनानी ने। हमारे संवाददाता ने आज शूटिंग के स्थल का दौरा किया। सांचौर से 40 किलोमीटर दूर डुंगरी जैसे ऐतिहासिक स्थल पर कलाकार नरेंद्र शर्मा और राकेश मनावत की जोड़ी अपनी सुरीली आवाज में महारो सांचौर के गीत के बोल का फिल्मांकन करवा रहे थे। इस अवसर पर शूटिंग कर रहे दीपक जिवनानी ने बताया कि इस गाने को संगीतकार राकेश मनावत ने लिखा है और इसमें सांचौर के इतिहास को शब्दों में पिरोकर लोगों के सामने लाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। महारो सांचौर, निस्संदेह सांचौर की धरती पर जन्मे और जाए उन सभी लोगों को ये सॉन्ग पसंद आएगा। इसी की शूटिंग में आज हम यहाँ अपनी कलाकारी से इस गाने को शूट कर रहे हैं। हरिओम सा, पधारो म्हारे देश। सांचौर के हाड़ेचा गांव में कंचन ग्रुप द्वारा स्वर्गीय शांतिलाल कनकराज अंगारा की स्मृति में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को स्वेटर वितरण किए गए। इस दौरान दिनेश अंगारा ने कहा कि मानवता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है और हमारा ग्रुप का मकसद मानव सेवा करना है। हमारा समूह समय समय पर मानव सेवा के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है। कार्यक्रम के दौरान भवरलाल, जामताराम, हरकचंद मेहता, जोगी दर्जी और अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।